Vice Chancellor. Please write Deputy Vice Chancellor or de facto. Or de facto Chancellor. Yaad rahega? Fresh talent. And 70 years is? 70 years is the last age. मतलब इस टाइम तक आप सर्व कर सकते हैं. 70 साल तक आप बन सकते हैं और ये अपॉइंटमेंट नहीं देगा. हाँ जी, टर्म हो आंसर. एवरी 5 years होती है. ठीक है? नहीं. अब मिनिमम एज इंडियन मेडी 5 years. मिनिमम एज. ठीक है? अब याद रहेगा डेप्यूटी वाइस चांसलर किसको बोलेंगे? वाइस चांसलर या प्रो चांसलर को? प्रो चांसलर. डीवीसी इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं. और डी फैक्टो चांसलर ये भी कौन है? प्रो चांसलर. हम एक्चुअली विजिटर के लिए भी वर्ड यूज करते हैं एक्स ऑफिशियो. एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है जो प्रेजेंट में है ना, हु इज एट द प्रेजेंट. तो बेसिकली ये सारी चीजें हमने आपके लिए विजिटर चांसलर वाइस चांसलर देखिए प्रो चांसलर तो नेचुरली एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स करते हैं. ठीक है, यहाँ पे रोल ऑफ वाइस चांसलर की मदद से एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही क्या करता है, रिकमेंडेशन करता है और प्रो चांसलर की नियुक्ति होती है. फिर डीन ऑफ स्कूल्स, हर स्कूल के लिए हर यूनिवर्सिटी के लिए डीन अपॉइंट किया जाता है. ठीक है, और डीन ऑफ स्कूल्स क्या है? डीन ऑफ स्कूल्स वो है जो मैक्सिमम सीनियोरिटी के बेसिस पे चूज किए जाते हैं. जो भी प्रोफेसर्स हैं, जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर्स होंगे उनको डीन बना दिया जाएगा. और डीन के बाद रजिस्ट्रार कौन बनते हैं? रजिस्ट्रार अल्टीमेटली कौन अपॉइंट करता है? ये भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से ही रजिस्ट्रार अपॉइंट करते हैं. ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन है. डीन ऑफ स्कूल्स कौन होते हैं? आप कौन सी यूनिवर्सिटी से बढ़े हो? डीयू से. डीयू के डीन होते नहीं होते? आप लोग डीन जानते हैं? डीन कौन होता है? आई एम सॉरी बट डीन ऑफ कॉलेज का अंदर डीन रहते हैं. तो कॉलेजेस के अंदर जो हेड रहता है उसको हम डीन बोलते हैं. अब ये जो डीन होते हैं ये कौन कौन करते हैं? ये प्रो चांसलर्स अपॉइंट नहीं करते हैं, ये सीधा एग्जीक्यूटिव. कौन बेसिकली क्रिएशन ऑफ पोस्ट कर रहा था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल. तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से हमारे डीन ऑफ स्कूल्स फाइनलाइज होते हैं, यानी कि हेड ऑफ दो स्कूल्स फाइनलाइज किए जाते हैं एंड फिर रजिस्ट्रार फाइनलाइज होता है. रजिस्ट्रार को बस अकेडमिक काउंसिल. डीन ऑफ स्कूल्स और डीन ऑफ स्कूल्स का पहला जो है एग्जीक्यूटिव. हां, दे आर फाइनलाइज बाय, दे आर अपॉइंटेड बाय, लीजिए डीन ऑफ स्कूल्स आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल. दे आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल. रजिस्ट्रार लिखे, रजिस्ट्रार आर फाइनलाइज और अपॉइंटेड बाय, रजिस्ट्रार्स आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल. रजिस्ट्रार आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन कमिटी. विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन कमिटी रजिस्ट्रार is basically appointed by executive council with the help of selection committee. Pro chancellor, pro chancellor में लिख लीजिए appointed by, pro chancellor लिखिए, pro vice chancellor is appointed by executive council. Pro Chancellor is appointed by Executive Council on the recommendation of Vice Chancellor. On the recommendation of Vice Chancellor. Am I very clear now? ठीक है, दोबारा से चलते हैं फटाफट. Visitor Academic Council करते हैं, बट वो Academic Council किस में पहुंच जाते हैं? Selection करते हैं. मैंने देखो एक बात बोली, एकेडमिक काउंसिल हेड जो करता है, एकेडमिक काउंसिल हेड किसके अंदर फॉल करेगा? उसको हम एकेडमिक काउंसिल हेड को सिलेक्शन ऑफ कमिटी के अंदर फॉल कराते हैं. देखिए अब प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए जो मैं बता रही हूँ. यहाँ पे मैंने क्या लिखा था?
यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल आ गया आपका. अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या कर रहा है? पोस्ट क्रिएट कर रहा है. ठीक है, इस पोस्ट के लोगों को कहाँ कहाँ भेजना है ये सारा काम सिलेक्शन कमिटी का होता है. ये क्या करती है सिलेक्शन कमिटीज, यहाँ पे लोगों को सिलेक्ट करती है, यहाँ पे ये लोग पोस्ट क्रिएशन करते हैं. प्लीज ध्यान दीजिएगा, दिस इज क्रिएटेड. ये पोस्ट क्रिएशन का काम एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हुआ और सिलेक्शन कमिटी उन लोगों को चूज करती है, उन पर्सनालिटीज को चूज करती है जिनको यहाँ फिट कर सकते हैं. अब ये जो सिलेक्शन कमिटी है ये किसके साथ मिल जाती है? ये अकेडमिक काउंसिल के साथ मिल जाती है. और अकेडमिक काउंसिल की मदद से प्लस सिलेक्शन कमिटी अकेडमिक काउंसिल की मदद से ये किसको चूज करती है? प्रो वाइस चांसलर. इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट में बताया जो मैम ने पूछा, इसीलिए आई वाज अबाउट टू एक्सप्लेन दिस. प्रो वाइस चांसलर का जो नियुक्ति होगा, अगर क्वेश्चन आता है तो वो कौन करेगा, आपको ध्यान रखना है. ये ध्यान रखना है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो करेगी बट किसकी मदद से करेगी? सिलेक्शन कमिटी. और सिलेक्शन कमिटी को कौन हेड कर रहा है? अकेडमिक काउंसिल हेड कर रहा है. अकेडमिक काउंसिल हेड करेगा, इसीलिए आंसर आप क्या लिखेंगे? ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस सिलेक्शन कमिटी. याद रहेगा प्लीज डी. डी का अपॉइंटमेंट, डी का अपॉइंटमेंट किसका अपॉइंटमेंट? डी 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 ना स्कूल, देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ डीन ऑफ स्कूल्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डीन ऑफ स्कूल्स is done by executive councils, is done by vice chancellor. Please write, dean of schools is appointed by vice chancellor with the help of executive council. देखिए आप प्लीज एक बार ध्यान रखिएगा, अगर किसी तरीके का भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं हायरार्की इज दिस, ध्यान रखने के लिए हायरार्की इज दिस. विजिटर फाइनल हेड है, चांसलर कौन है आपका? चांसलर कौन है? वाइस प्रेसिडेंट. चांसलर वाइस प्रेसिडेंट है. वाइस प्रेसिडेंट बेसिकली कौन नियुक्त कर रहा है? विजिटर करता है विद द हेल्प ऑफ एमएचआरडी एंड यूजीसी. एमएचआरडी एंड यूजीसी के अलावा तीन रिकमेंडेशंस कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल बॉडी. और एग्जीक्यूटिव काउंसिल बॉडी में जो तीन मेंबर्स हैं वो बेसिकली कौन होने चाहिए? या तो कोई एमिनेंट पर्सनालिटी या पर्टिकुलरली कोई रेनाउंड एकेडमिशियन. तो ये पूरे तरीके से किसके पास है? विजिटर के डिस्क्रिप्शन पे है कि वो किसी को भी कैंसिल करके अपनी नियुक्ति वहाँ पे कर सकता है, अपना नाम या अपने द्वारा किसी को भी नॉमिनेट करके चांसलर बना सकता है. इसी वजह से कई जगह पे गवर्नर्स को देखा गया, स्टेट के जो गवर्नर है वो कई जगह एज अ चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देखे गए हैं. वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन करता है? वाइस चांसलर की नियुक्ति बेसिकली कौन कर रहा है? क्या क्या कर रहा है, क्योंकि उतना डिटेल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा.
पूछा जाएगा, बट अभी तक नहीं पूछा गया, पूछने ये नहीं दे सकते. अभी तक सिर्फ क्वेश्चन विजिटर और वाइस चांसलर से पूछा गया है. वाइस चांसलर से सिर्फ चांसलर के नेम पूछे गए हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का कहाँ कहाँ क्या क्या चांसलर है, और विजिटर से रेगुलरली क्वेश्चन पूछा गया है. और इसके अलावा कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है. उसके बाद डीन ऑफ स्कूल्स आ गए. डीन ऑफ स्कूल्स कौन है, जो सीनियोरिटी के बेसिस पे कौन देगा डीन ऑफ स्कूल्स को, कौन कौन कर रहा है, वाइस चांसलर कौन करेगा या कौन करेगा, वाइस चांसलर ये क्या कर रहे हैं सीनियोरिटी के बेस पे. जो मैक्सिमम बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, जिनकी मैक्सिमम एज है, मैक्सिमम एक्सपीरियंस है, यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि वो कौन बनेंगे, डीन ऑफ स्कूल बने यानी हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज बनेंगे. और उसी के बाद जाके किसका होता है, रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट होता है. रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट कौन करता है, यस विद द हेल्प ऑफ किसके साथ, एम आई क्लियर, कोई दिक्कत. और जो डीन ऑफ स्कूल्स है उनके अपॉइंटमेंट में कुछ रोल होगा, इसका सिलेक्शन कमेटी होगा. सिलेक्शन कमेटी में से डीन ऑफ स्कूल्स तो बहुत डिटेल है, होता है थोड़ा सा रोल होता है, बट एक्चुअली इनको अथॉरिटी वैसे नहीं दी जाती, इनको सिर्फ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की उस पर्टिकुलर कॉलेज की अथॉरिटी दी जाती है. मैम इट्स ग्रेट फॉर इंडिया एंड फॉर स्टेट एंड फॉर सेंट्रल सी प्रेजेंट नो People sitting at the back. People sitting at the back. Am I clear with this? नहीं 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 ऐसे नहीं देते हैं. हाँ 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 चलिए जरा तो हमें बंद करिए. रजिस्ट्रार को कौन अपॉइंट करता है बताइए.